भैया देखिए, एक बात तो साफ है कि क्रिकेट मतलब माँ ही, क्योंकि धोनी जैसा दिमाग शायद ही किसी क्रिकेटर के पास हो। वो क्रीज पर सिर्फ हाथ ही नहीं चलाते हैं बल्कि अपना दिमाग भी खूब दौड़ाते हैं। धोनी का दिमाग ही तो है जो अच्छी से अच्छी टीम के बीच छक्के छुड़ा देता है। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स दिखाने वाले हैं जहां धोनी का प्रेजेंस ऑफ माइंड सब पर भारी पड़ गया। नंबर वन दोस्तों, एक बार भारत और श्रीलंका की टीमें एक वनडे मैच में आमने सामने थी। मैच में इंडिया की तरफ से बोलिंग संभाल रखी थी जडेजा ने और क्रीज पर थे श्रीलंका के रंगना हैरार, और फील्डिंग की कमान संभाल रखी थी अपने माही भाई ने, जहां जडेजा एक व्हाइट बॉल फेंकते हैं जो धोनी के ग्लव्स में पहुंच जाती है। तभी वो हैरार को चकमा देते हुए स्टंपिंग करने का नाटक करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इससे हैरार का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और वो क्रीज के बाहर चले जाएंगे। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही, बस फिर क्या था, जैसे ही हैरार क्रीज के बाहर निकले धोनी ने स्टंपिंग करके बॉस सबको हैरान कर दिया। खुद हैरार भी नहीं समझ पाए कि उनके संग भाई क्या हो गया, क्योंकि थर्ड अंपायर हैरार को आउट करार कर चुके थे। भाई वाह, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मजा आ गया। अगर आपको माही भाई का ये कमाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नंबर टू, चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ धोनी के स्मार्ट दिमाग की एक ऐसी वीडियो जो दिमाग के साथ साथ फुर्ती से भी भरपूर है। दरअसल दोस्तों एक मैच के दौरान धोनी अपने बल्ले से एक जोरदार भाई कमाल का शॉट मारते हैं और अपने सहयोगी बैट्समैन के साथ मिलकर एक रन भी ले लेते हैं। इतने में बॉल फील्डर द्वारा विकेट कीपर के पास फेंकी जा चुकी थी, लेकिन भाई विकेट कीपर को लगा कि अब धोनी कोई रन नहीं लेंगे, इसलिए विकेट कीपर आराम से जमीन पर बैठे रहे। अब जैसे ही धोनी ने देखा कि बॉल उठाने कोई नहीं आ रहा, तो उन्होंने फटाक से दूसरा रन लेने के लिए दौड़ लगा दी और स्टंप आउट होने से पहले ही भाई दूसरा रन भी ले लिया। देखा भाई, इसे कहते हैं फुर्ती और तेज दिमाग का ग्रेट कॉम्बिनेशन। नंबर थ्री दोस्तों, एक शानदार इंसिडेंट यहाँ भी देखने को मिलता है। 2016 में हुआ था ये भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो आपको हमेशा याद रहने वाला है। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल और उन्होंने परिंदर सरान की बॉल पर एक जोरदार शॉट मारा। बाउंड्री तक पहुंच रही इस बॉल को उमेश यादव ने रोक लिया। इधर ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श दो रन ले चुके थे और तीसरा रन भी लगभग पूरा होने ही वाला था, लेकिन दोस्तों तभी धोनी स्टंप्स के एकदम पास आ गए और मार्श को ऐसा दिखाते हुए कि कोई खतरा नहीं है, उन्होंने उमेश यादव द्वारा फेंकी गई बॉल को पकड़ा और स्टंपिंग कर दी। धोनी के मास्टर दिमाग का दोस्तों जवाब नहीं है, यही कारण है वो सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ भी अगर वो थोड़ी दूर होते या थोड़ी जल्दबाजी करते तो शायद ये स्टंपिंग ना हो पाती और मैच इंडिया के हाथ से फिसल भी सकता था, लेकिन दोस्तों धोनी ने बड़ी ही चतुराई से इंडिया को एक विकेट दिला ही दिया। नंबर फोर वेल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले धोनी असल में फुटबॉल के दीवाने हैं? जी हाँ दोस्तों, और वो फुटबॉलर ही बनना चाहते थे, वो तो भाई कोच ने कहा तो ये क्रिकेट में पहुंच गए। वेल अगर आप इस बात को नहीं जानते तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों अब आपको हम धोनी की फुटबॉल स्किल्स का एक नमूना दिखाने वाले हैं। ये मैच है दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के साथ, जिसमें सामने वाली टीम का एक प्लेयर अपने को कुछ दृढ़ शाना समझ रहा है और माही भाई के सामने एडवांस बनने की भाई कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने माही भाई कहाँ किसी की दाल गलने देने वाले हैं। यहाँ भी वही इस दृढ़ शाने की दाल पकी नहीं पाई। हुआ कुछ ऐसा कि किंग्स इलेवन का ये बैट्समैन बॉल को भाई लेट कट खेल कर बॉल को थर्ड मैन की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारे विकेट कीपर धोनी अपना पैर भाई बीच में अड़ा देते हैं और बॉल वहीं गिर जाती है, जिस वजह से चार रन का सपना देख रहे बेचारे बैट्समैन को एक भी रन नहीं मिल पाता, वरना तो भाई इस बॉल पर चौका पक्का था। तभी तो कहते हैं माही जैसा कोई नहीं। नंबर फाइव भाई, धोनी के खेलने का अंदाज और उनका दिमाग क्रिकेट के मैदान में सबसे तेज दौड़ने का काम करते हैं। सामने वाला सोच पाए इससे पहले तो भाई धोनी अपना काम करके निकल जाते हैं, जिस वजह से वो क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कॉपी कर पाना बॉस किसी के बस की बात नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे इस मैच में धोनी ने न्यूजीलैंड के जैकब ओरम को चकमा देते हुए उन्हें डबल टैपिंग पर आउट कर दिया था। दरअसल दोस्तों बॉल आते ही जैकब ओरम ने शॉट मारा, लेकिन बॉल जा लगी भाई धोनी के हाथ, बस फिर क्या था, सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने डबल टैपिंग का सहारा लिया और इससे पहले कि जैकब कुछ भी सोच समझ पाते धोनी ने उन्हें आउट कर दिया। ये देखकर जैकब और ऑडियंस दोनों ही बिल्कुल हैरान परेशान थे कि मियां ये क्या हो गया, और सोच रहे थे कि भाई कोई इतना शार्प कैसे हो सकता है, अपने धोनी में बास की भी काबिलियत है बॉस, ये हमारे धोनी है भैया, इनके जैसा कोई है ही नहीं। वैसे अगर आप भी दोस्तों हमारी तरह वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अरे तो लाइक करो यार। हाँ आइए बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। नंबर सिक्स, ये वाक्य है दोस्तों साल 2008 का, जब CSK और KKR के बीच एक मैच चल रहा था। जोगिंदर सिंह अपने लास्ट ओवर की पांचवी बॉल डालने वाले थे, उनके सामने थे लक्ष्मी रतन शुक्ला। जोगिंदर सिंह शुक्ला जी को एक यॉर्कर फेंकते हैं और शुक्ला जी से भाई मिस हो जाता है। अब क्योंकि भाई शुक्ला जी तो जानते थे कि बॉल जो है वो मिस हो चुकी है, इसलिए वो क्रीज पे ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ईशांत शर्मा रन की चाहत में क्रीज से दूर चले जाते हैं। तभी धोनी बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर जोगिंदर सिंह की तरफ फेंकते हैं, लेकिन स्टंपिंग करने से मना कर देते हैं। अब शुक्ला जी को भाई ऐसा लगता है कि मामला जो है बिल्कुल साफ है, खतरा वतरा नहीं है,
लिहाजा भाई वो भी अपनी क्रीज से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी धोनी दिमाग दौड़ाते हैं और जोगिंदर सिंह को इशारा करते हैं कि अब वो बॉल को स्टंप्स पर हिट कर दे, और जोगिंदर सिंह भैया हूबहू ऐसा ही करते हैं और यहाँ ईशांत शर्मा की जगह शुक्ला जी आउट हो लेते हैं। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं भाई नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सामने वाले को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। खासकर सामने जब माही भाई खड़े हों तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, वरना ऐसे ही झटके लगेंगे। खैर दोस्तों, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि भाई धोनी ने ऐसा क्यों किया, तो देखो यार मैं भी ये बात नहीं जानता हूं। अब आप खुद ही सोचिए और मुझे बताइए क्यों किया। नंबर 7, ये वीडियो क्लिप आप देखे दोस्तों, 2007 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप की वीडियो क्लिप है। दरअसल दोस्तों, ये मैच हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टाई, और अब स्टंप्स को हिट करने पर हार जीत का फैसला होना था। तभी धोनी ने अपना तेज दिमाग दौड़ाया। यहाँ पे आप देखिए, ये है पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल, जो विकेट कीपर की जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन ये हैं हमारे माही भाई, जो स्टंप्स के पीछे भाई चिपक गए। दरअसल धोनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाई इसे बॉलर्स को स्टंप पर बॉल हिट करने में आसानी होती है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ धोनी को हिट करना था। अब धोनी की यही प्लानिंग उस दिन भारत की जीत का भी कारण बनी थी। वाकई में कहना पड़ेगा दिमाग तो भाई धोनी जैसा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको धोनी की ये मास्टर स्ट्रोक बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।